हेलो एवरीवन, तो आज हम लेकर आए हैं अपने प्राचीन भारत के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, इसमें हर एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें और बहुत ध्यान से इन क्वेश्चन के आंसर दें। और इसमें कुछ 150 करीब क्वेश्चन होने वाले हैं, तो आप भी इनके जवाब हाथों हाथ दें कमेंट बॉक्स में, तो आपको भी पता लग जाएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो आपका अपना चैनल रीना एजुकेशन, बने रहे चैनल पर, और इन सारे क्वेश्चन का स्कोर बाद में करके आप बताएं और साथ साथ मेरे आंसर भी टिक करते रहें। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता संबंधित है, सिंधु सभ्यता किस युग से संबंधित है? तो मैंने आपको ऐतिहासिक काल का युग पढ़ाए थे, तो उसमें प्राग ऐतिहासिक युग बताया था कि जिसके बारे में लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं है, आद ऐतिहासिक काल जिसके बारे में लिखित सामग्री उपलब्ध तो है लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सकता, और ऐतिहासिक युग जिसके बारे में लिखित सामग्री है भी और उसे पढ़ा भी जा सकते हैं। तो इसमें हमारा आंसर होता है बी सही, आद ऐतिहासिक युग से, यानी सिंधु सभ्यता के अवशेष तो हमें मिले हैं लेकिन हम उन अवशेषों को, उन साहित्य को पढ़ नहीं सकते। दूसरा, हड़प्पा नगर की खोज किसने की थी? हड़प्पा नगर की खोज किसने की थी? तो ये क्वेश्चन भी आपको कराया हुआ है, तो यह है दयाराम सहानी, ये ऑप्शन इसका सही होता है, दयाराम सहानी ने हड़प्पा नगर की खोज की थी। फिर निम्न में से किसकी खेती हड़प्पा वासी करते थे? ये फसलें हैं गेहूं, जौ, कपास, तो इनमें से हड़प्पा वासी किसकी खेती करते थे? तो हड़प्पा से सभ्यता से जो अवशेष मिले हैं उनसे प्राप्त होता है कि हड़प्पा वासी तीनों ही चीज़ों की खेती करते थे, यानी ऑप्शन डी सही होता है हमारा। फिर अगला क्वेश्चन आता है, हड़प्पा कालीन स्थल लोथल किस नदी के किनारे है? लोथल किस नदी के किनारे है? तो ये भी क्वेश्चन मैंने आपको कराया है, तो ये हड़प्पा है कालीन लोथल, ये किस नदी के किनारे है? ये है भोगबा नदी के किनारे, हड़प्पा कालीन स्थल लोथल भोगबा नदी के किनारे है, ऑप्शन सी सही होता है इसका। फिर आता है हमारा अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस स्थान के उत्खनन में तांबे की मोहरें प्राप्त हुई थी? किस स्थान से तांबे की मोहरें प्राप्त हुई थी? तो ये तांबे की मोहरें प्राप्त हुई थी हड़प्पा से। निम्न स्थानों में से किसी एक स्थान पर सिंधु सभ्यता से संबंध विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई है? तो वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई है मोहनजोदड़ो से, वृषभ मुद्रा कहाँ से प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। बिना दुर्ग का एकमात्र सिंधु नगर कौन सा था? बिना दुर्ग का एकमात्र सिंधु नगर कौन सा था? तो ये था कलीबंगा। निम्न में से कौन सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख धरोहर है? तो इनमें से कौन सी सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख धरोहर है? कुंवर वाला सांड, पशुपति शिव की मूर्ति, विश्वाल स्नानागार या सभी? तो इसका ऑप्शन डी सही होता है, ये सभी क्या है, विश्व सिंधु घाटी सभ्यता की धरोहर है। निम्न में से कौन सा वेद कर्मकांड प्रधान है? निम्न में से कौन सा वेद कर्मकांड प्रधान है? तो इसका है ऑप्शन बी सही, यजुर्वेद, यजुर्वेद को कर्मकांड प्रधान है। फिर है किस वेद को भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है? तो भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है सामवेद को, भारतीय का मूल कहा जाता है सामवेद को।
फिर अगला क्वेश्चन है, किस वेद में सभा और समिति की को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है? किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है? तो इसका आंसर है अर्थवेद को, आंसर डी, अर्थवेद को सब में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। फिर अगला क्वेश्चन आता है, किस वेद में जादुई माया वशीकरण का वर्णन है? किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? तो ये है हमारा अथर्ववेद में, ये हमारा अथर्ववेद में है, ऑप्शन सी इसमें मिसप्रिंट हो गया है, छपा नहीं है। तो इसमें क्या है, वशीकरण जादू माया का वर्णन है। चोल तथा बौद्ध तथा जैन ग्रंथों में छठी ईसा पूर्व कितने महाजनपदों का उल्लेख है? तो इसका है ऑप्शन सी, 16 महाजनपदों का उल्लेख है। अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो अंग महाजनपद की राजधानी थी चंपा। जैन के धर्म के प्रथम तीर्थंकर और प्रवर्तक कौन थे? तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर और प्रवर्तक थे ऋषभदेव। महावीर स्वामी ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए? तो ये दिए प्राकृत भाषा में, ऑप्शन सी सही होता है इसका, महावीर स्वामी ने अपने उपदेश प्राकृतिक भाषा में दिए। भगवान महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य कौन था? तो ये था जमाली। जमाली क्या थे, इनके दामाद थे महावीर स्वामी के, तो यही इनके क्या थे, प्रथम शिष्य थे। फिर हम महावीर के संदर्भ में निम्न युग्म पर असत्य युग्म का चयन करें, यानी जो गलत है। तो महावीर स्वामी का जन्म हुआ था कुंडग्राम वैशाली में, ये सही है। महावीर के पिता सिद्धार्थ थे, ज्ञात्रक कुल के थे, ये भी सही है। महावीर की माता त्रिशला थी, चेटक की बहन थी, ये भी सही है। और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं, तो यही ऑप्शन डी वाला हमारा आता है कि इनमें से सारे कथन क्या है, सत्य हैं। फिर अगला क्वेश्चन आता है, जैन धर्म की पहली संगति या सभा कहाँ हुई थी? ऑप्शन ए सही होता है, पाटलिपुत्र में। बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में, बी ऑप्शन सही होता है इसका, बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, लुम्बिनी में हुआ था। भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो ये दिया था सारनाथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भगवान बुद्ध को किस स्थान पर महानिर्वाण प्राप्त हुआ था? तो ये हुआ था कुशीनगर में। फिर आता है, बौद्ध संगतियों के चार संरक्षक शासकों का सही क्रम बताइए, यानी चार बौद्ध संगतियां हुई थी तो उनका सही क्रम क्या है? तो इसका है, सबसे पहले जो हुई थी, ऑप्शन डी सही है इसका, अजात शत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क।
हर्यक वंश का संस्थापक कौन है? हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका ऑप्शन से आता है बिंबसार। पाटलिपुत्र की स्थापना किस शासक ने की थी? पाटलिपुत्र की स्थापना किस शासक ने की थी? तो ये आती है उदयन ने। ऑप्शन सी इसका सही होता है, उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना की थी। निम्न में कौन सिकंदर का समकालीन था? सिकंदर का समकालीन था घनानंद। फिर अगला क्वेश्चन आता है, चाणक्य किसके प्रधानमंत्री थे? तो चाणक्य थे चंद्रगुप्त मौर्य के। ऑप्शन सी सही होता है, चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। फिर क्वेश्चन आता है, अशोक के अभिलेख और ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसके द्वारा पढ़ा गया? अशोक के अभिलेख और ब्राह्मी लिपि को, तो इसका आंसर है बी, जेम्स प्रिंसेप के द्वारा पढ़ा गया। फिर है, अशोक ने किस बौद्ध संत से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया? अशोक ने किस बौद्ध संत से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया? तो इसका आंसर है उपगुप्त। उपगुप्त से प्रभावित होकर अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया। फिर 30 क्वेश्चन है, मौर्य वंश के बाद किस शासक वंश का उदय हुआ? मौर्य वंश के बाद किस वंश का उदय हुआ? तो ऑप्शन ए आता है, शुंग वंश का उदय हुआ। 31 हमारा क्वेश्चन आता है, निम्न में से किस शासक ने सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए? तो सोने के सिक्के जारी करने वाला प्रथम शासक था कनिष्क। कनिष्क ने किस वर्ष शक संवत की शुरुआत की थी? तो इसने की थी शक संवत की शुरुआत 78 ईस्वी में। फिर है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? ऑप्शन डी, समुद्रगुप्त को। भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। गुप्तकालीन बौद्ध शिक्षा का महान केंद्र कौन सा था? तो गुप्तकालीन बौद्ध शिक्षा का महान केंद्र था नालंदा। 35 क्वेश्चन आता है हमारा, सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो सांची का स्तूप बनवाया था अशोक ने। 10 अवतार मंदिर का संबंध किस काल से है? 10 अवतार मंदिर का संबंध किस काल से है? तो ये है गुप्त काल से। तो फ्रेंड, ये हमने कुछ 30 क्वेश्चन देखे अपने गुप्त प्राचीन भारत से संबंधित, और आगे हम पढ़ते हैं मध्यकालीन भारत से संबंधित कुछ क्वेश्चन अपन। तो हमारा अगला क्वेश्चन है मध्यकालीन भारत से, मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण कब किया था? मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण किया था 712 ईस्वी में। फिर 38 क्वेश्चन आता है हमारा, तराइन का प्रथम युद्ध किस किसके बीच हुआ था? तराइन का प्रथम युद्ध किस किसके बीच हुआ था? तो तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। तराइन का प्रथम और द्वितीय दोनों ही युद्ध हुए थे। प्रथम हुआ था 1191 में और द्वितीय हुआ था 1192 में। फिर अगला क्वेश्चन आता है, लाख बक्स की उपाधि किसे दी गई थी? तो लाख बक्स की उपाधि किसे दी गई है? लाख बक्स की उपाधि दी गई है कुतुबुद्दीन ऐबक को।
अढ़ाई दिन का झोंपड़ा किसने बनवाया था? तो ये भी बनवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अढ़ाई दिन का झोंपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। अपने विरोधियों के प्रति कठोर लोह व रक्त की नीति का पालन किसने किया था? अपने विरोधियों के प्रति कठोर रक्त और लोह नीति का पालन किसने किया था? तो ये किया था गयासुद्दीन बलबन ने, ऑप्शन बी। प्रसिद्ध फारसी व पर्व नौरोज किसने प्रारंभ किया था? तो ये किया था बलबन ने। प्रसिद्ध फारसी पर्व नौरोज प्रारंभ किया था बलबन ने। फिर अगला क्वेश्चन आता है हमारा, एकता प्रणाली पहली बार कब लागू की गई? पहली बार लागू किसके द्वारा की गई थी? एकता प्रणाली कब लागू की गई थी? इल्तुतमिश के द्वारा। 44 क्वेश्चन है, तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तो तुगलक वंश का संस्थापक था गयासुद्दीन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा उठाए गए कदम जो असफल रहे, तो कौन कौन से कदम उठाए थे उसने? राजधानी परिवर्तन और सांकेतिक मुद्रा। तो दोनों ही परिवर्तन उसके असफल रहे थे, ए और बी दोनों ही हो जाएगा इसे। जजिया का कर पहली बार ब्राह्मणों पर किसने लगाया? जजिया कर पहली बार ब्राह्मणों पर किसने लगाया? तो ये लगाया फिरोज शाह तुगलक ने। निम्न में से कौन सैयद वंश के शासक थे? तो सैयद वंश के शासक थे खिजर खां। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो लोधी वंश का संस्थापक था बहलोल लोधी। फिर है, आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी सिकंदर लोधी ने। आगरा शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सिकंदर लोधी के द्वारा की गई थी। और हमारा आज का 50वां क्वेश्चन है, मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो ये आता है बाबर, ऑप्शन ए सही होता है इसका, बाबर था। किस मुगल शासक ने आगरा में चित्रकला चित्रशाला की स्थापना की? किस मुगल शासक ने आगरा में चित्रशाला की स्थापना की? तो ये की थी जहांगीर ने। जहांगीर ने चित्रशाला की स्थापना की थी। तो फ्रेंड, ये हमने कुछ 51 क्वेश्चन देखे अपने इस वीडियो में। अगली वीडियो में हम और 50 क्वेश्चन लेकर आएंगे मुगल साम्राज्य से या मध्यकालीन भारत से। तो तब तक बने रहें चैनल पर, वीडियो को शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब। Thanks for watching.